सामने आ रही है जोधपुर से। जोधपुर में डीआरआई की टीम पर फायरिंग की गई, बड़ी खबर। डीआरआई की टीम पर फायरिंग की गई जोधपुर में, एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया है। आपको बता दें जोधपुर से बड़ी खबर, डीआरआई की टीम पर फायरिंग की गई। अवैध सेना पकड़ने के लिए डीआरआई की टीम यहां गई थी, जिन पर फायरिंग हुई। एक बड़े ज्वेलर के सुरक्षाकर्मी ने फायरिंग की है डीआरआई की टीम पर। डीआरआई की टीम को समझा लुटेरों का गुट। इस पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, जोधपुर में डीआरआई की टीम पर फायरिंग हुई है, क्या है पूरा मामला? जी, ये घटना जोधपुर जयपुर रोड पर बिलाड़ा कस्बे से आगे खारिया मिठापुर एक छोटा गांव है उसके बाहर हुई है। डीआरआई यानी राजस्व निदेशालय की टीम एक कार में अवैध सोना होने की और बड़ी मात्रा में ये सोना होने की सूचना पर वहां गई थी और वहां नाकाबंदी की थी। इन लोगों ने एक जोधपुर की तरफ जा रही इनोवा कार को रुकवाने के लिए हाथ दिया तो उस कार ने रोका नहीं। इससे पहले एक जगह और कार को रुकवाने की कोशिश की थी लेकिन कार रुकी नहीं थी और उसके बाद कार से फायरिंग हुई और गोली जो साथ में एक मौतबीर गवाह को एक लेकर गए थे डीआरआई की टीम जिसका नाम सुमीर सिंह है उनके पीठ में लगी और इसके बाद में वहां पर उनको अस्पताल लाया गया, मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया। ये जो कार है जिससे फायरिंग हुई है ये जोधपुर के एक बड़े ज्वेलर की बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने डीआरआई की टीम को लुटेरा समझ लिया था। पहले एक घटना यहाँ पर हो चुकी है, 10 किलो सोने की लूट इसी रोड पर पहले की गई थी। इसके चलते जो ज्वेलर का सुरक्षाकर्मी था महेंद्र सिंह उसने लाइसेंस के पिस्तौल से ये गोली चलाई बताते हैं। अभी इन सारे तथ्यों की पुलिस पुष्टि कर रही है, उनके लाइसेंस की जांच और जो उनका बातें बताई गई है सारी उनकी जांच कर रही है। डीआरआई की टीम के लोग चूंकि सारे कपड़ों में थे इसलिए ये लगता है कि ऐसी उनको गलतफहमी हो गई होगी कि उनके कार को कहीं लूटने के लिए तो नहीं रोका जा रहा और अभी तक कार की भी जांच की जानी है कि उसमें वास्तव में कोई अवैध सोना बिना बिल का सोना या कुछ ऐसा सामान तो नहीं है। तमाम अपडेट के लिए ललित बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जोधपुर में डीआरआई की टीम पर फायरिंग की गई, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि गलतफहमी यहाँ पर कहीं ना कहीं हुई है, लुटेरा समझ बैठे थे ज्वेलर्स।